दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई और 3 मई वो कर दिया गया। 14 को मियाद खत्म हो रही थी, लोग बहुत आशा लगाए थे क्योंकि इसके पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से और तमाम बड़े अफसरों की तरफ से भी कहा गया था कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन बहरहाल बढ़ाया जाना सभी व्यापक स्तर पर लोग मान रहे हैं कि एक वाजिब कदम है, क्योंकि भारत में जो मौजूदा हालात हैं उसमें संक्रमण को रोकने के लिए शायद ये एकमात्र उपाय है। क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज की हालत सरकार के लोग भी अंदर अंदर सब मानते हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, और हम सब तो जानते ही हैं, देखते हैं अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में लोग देख रहे हैं। ये जो लॉकडाउन की अवधि है, बेहतर ये हुआ होता कि इस अवधि में जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो कोविड 19 से फाइट करने के लिए उसके उपचार के लिए जो विशेष अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके बनाए जाने पर जोर दिया गया होता, जिस तरह दुनिया के कुछ और मुल्कों ने किया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया। अभी भी हम पीपी के लिए या बहुत सारे और जो उपकरण हैं, यहाँ तक कि टेस्टिंग के किट्स के लिए हम दूसरे मुल्कों का अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब जहाज भारत पहुंचे जिससे कि हम वो सामान पा सकें। तो ये बहुत सारी किल्लत है, बहुत सारी समस्या है उस मुल्क में जो इतना बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, तो ये एक बड़ा संकट था। तो इस संकट के दौर में ही जो घटनाएं घटी हैं वो लॉकडाउन को लेकर चिंता जगाती हैं कि किस तरह लॉकडाउन की अपील को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की उसको एक तरह से उसके सामने सवाल खड़ा कर देती हैं। अब जैसे जिस तरह का वायलेशन कल देखा गया मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास, सूरत में इसके पहले देखा गया है, इसके पहले दिल्ली में हम सब ने देखा, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर मजदूर बाहर आ गए। ये मजदूर क्यों आए इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। मुंबई से शुरू करते हैं क्योंकि ताजा घटनाक्रम यही है। बांद्रा को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं बाजार में, और उसमें जो मुख्य रूप से जो वहां के राज्य प्रशासन की तरफ से बात आ रही है वो ये, जो जिसको हम सूचना के तौर पे मान सकते हैं, अफवाह नहीं, कि वहां पे कुछ लोग जिन्होंने ये खबर उड़ा दी, खासकर एक नेशनल चैनल के मराठी चैनल पर, कि साहब जो सिकंदराबाद स्थित साउथ जो सेंट्रल रेलवे है उसकी तरफ से संभवतः कोई नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ट्रेनें चलेंगी और मजदूरों को ले जाएंगी वगैरह वगैरह। इसी तरह से एक सज्जन ने अपने वीडियो संदेश में कुछ कह दिया कि हम बसें लेकर आएंगे और आप लोगों को बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को ले जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई हैं, और इस पर जो हमारी अभी तक की जानकारी है उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे को भी संभवतः इन पंक्तियों के बोले जाने तक गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका था। हो सकता है कुछ ही देर बाद उसकी गिरफ्तारी का भी हमें जानकारी मिल जाए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जिन्होंने इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा प्रश्न है कि ये मजदूरों की समस्या है क्या? हम थोड़ी देर के लिए बांद्रा, सूरत और दिल्ली का मामला भूल जाएं कि जो अफरा तफरी हुई, शासन की तरफ से जो गड़बड़ी हुई या जो कदम उठाए गए उसको सुधारने के लिए करेक्टिव मेजर्स उठाए गए। असल समस्या यह है कि मजदूर अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मजदूर के पास खाने के सामान नहीं है, उसके पास जो जरूरतमंद जो लोग हैं जिन तक पहुंचाया जाना चाहिए था ताकि वो लॉकडाउन के समय रोटी खा सकें, उनको दोनों टाइम, कम से कम दो टाइम, जो मान लो शहर में बड़े मालों में, कोठियों में या अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हो सकता है वो 3 टाइम खा रहे हो, तो कम से कम उनको 2 टाइम खाने को मिले। जो आश्वासन दिए गए थे विभिन्न सरकारों की तरफ से उसमें कुछ एक राज्य पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर देखा जाए तो वह नहीं पहुंच पा रहा है। और सबसे बड़ा सबूत है मजदूरों की अपनी बात, जो बहुत सारे लोगों ने कल हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर वो सामने आई सोशल मीडिया के जरिए। तो ये मसला एक बड़े मिसमैनेजमेंट का है। बड़े मिसमैनेजमेंट का क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी क्राइसिस में राजकीय स्तर पर जितना आबंटन हुआ है वो गैर वाजिब माना जा रहा है, वो नाकाफी माना जा रहा है। हमारी जीडीपी का महज 1% कहा जा रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो आकलन आए हैं उसमें 1,70,000 करोड़ की जो रकम है, जो रिलीफ के लिए जो पैकेज है, वो दरअसल और भी कम है।
वो दरअसल 1,70,000 करोड़ भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेशन उसमें है, तो वो हमारे जीडीपी का 1% से भी कम हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जैसा देश $2 trillion खर्च करता है, जो उनकी जीडीपी का 10% है, और अमेरिका की आबादी हमारी आबादी से कम है, और हमारी आबादी के मुकाबले ज्यादा खुशहाल भी है, ज्यादा समृद्ध भी है। मलेशिया जैसा देश 3% के आसपास अपनी जीडीपी का खर्च करता है, हमारे यहां किल्लत है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और साथ में एक तरह का भेदभाव भी दिखाई देता है, हम अगर अमीर घरों के लड़कों को वुहान से लेकर के ईरान तक, लंदन से लेकर अमेरिका तक, सिंगापुर, तमाम जगहों से जहाजों में भर कर ला सकते हैं, तो क्या वजह है कि इन मजदूरों को उनकी जगहों पर पहुंचने में हमें चिंता हो रही है, या हमें लग रहा है कि ये संक्रमण फैला देंगे? संक्रमण जिन लोगों से फैलना था वो तो बहुत सारे लोग आए, और उनकी जांच भी ठीक से नहीं की जा सकी। क्यों नहीं मजदूरों को, उनकी अगर वाजिब इच्छा है, अगर उनको लगता है कि वो सुरक्षित अपने गांव में रहेंगे, आप उनको ले जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए, आप उसका प्रबंध कीजिए, और वहां पर 14 दिन की क्वारंटीन में रखिए, और संक्रमण अगर पाया जाता है तो उनके उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं जरूरी हैं। अभी हाल में हमने देखा कि गुजरात के कुछ लोग फंस गए थे उत्तराखंड में, संभवतः किसी व्यापार के सिलसिले में या किसी धार्मिक पर्यटन के सिलसिले में आए थे, या किसी अन्य अपने निजी कार्यक्रम में आए थे, कई 100 लोग थे, उनको बसों में भरकर लॉकडाउन के दौरान गुजरात पहुंचाया गया। तो हमारा कहना है कि ये मजदूर जो हमारे उत्पादन की सबसे बड़ी ताकत हैं, इन्हीं से विकास का पहिया आगे चलता है, फ्लाईओवर खड़े होते हैं, सड़कें खड़ी होती हैं, कारखाने चलते हैं, आखिर हम इनकी बात क्यों नहीं सुनते? तो एक बड़ा संकट है। दूसरी बात, हम यह समझना चाहते हैं कि चलो अगर खाना नहीं पहुंच पा रहा है राजकीय स्तर पर, तो हमारी सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? 40,000 लोगों को दिल्ली का एक गुरुद्वारा खाना खिला रहा है, एक गुरुद्वारा। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे अदानी साहब मुंबई के सारे मजदूरों के लिए 2 टाइम खाने का अगर प्रबंध कर दें, उनका क्या जाएगा? अगर अंबानी साहब उतर गए, तब तो वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगहों के मजदूरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके रहने का प्रबंध हो सकता है, उनके खाने का प्रबंध हो सकता है। हमारे कारपोरेट क्यों नहीं करते? हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, अहमदाबाद से लेकर और मुंबई तक, कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक, आखिर इन मंदिरों की इतनी बड़ी रकम जो अरबों में बताई जाती है, करोड़ों में बताई जाती है, वो क्यों इस महामारी में काम नहीं आ रही है? वो ठीक है किसी फंड में, सीएसआर फंड में जा रही है, कहीं किसी और फंड में जा रही, लेकिन मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की जो कोशिश है, जो पंजाब के गुरुद्वारे कर रहे हैं, आखिर हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उत्तर भारत के अन्य लोग? क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी धार्मिक रूढ़ियां रोकती हैं इसके लिए? ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। और अभी हमने भोपाल में देखा, 5 जो पेशेंट अभी जो मरे हैं हाल में, कल की बात है, आज के अखबारों में खबर छपी है, वो 36 साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी के शिकार भी हुए थे, लेकिन बच गए थे और उनका इलाज चल रहा था, उनको अस्पताल नहीं मिला, और जिसके लिए, जिन अस्पताल में वो जाते थे रेगुलर जांच के लिए, अपनी दवाई के लिए, उसको COVID-19 का अस्पताल बना दिया गया है, और वहां कोई मरीज नहीं। और जब ये मर गए तो इनको, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 2-3 लोग COVID-19 के पेशेंट थे, फिर उनको अस्पताल में क्यों नहीं जाने दिया गया? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, और इसके लिए मुझे लगता है हमारे शासन को जरूर व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अपनी आबादियों को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो देश के लिए एक लॉन्ग टर्म, एक दूरगामी, ये बहुत बड़ा खतरा होगा दोस्तों। ये बात मैं आपके साथ आज करना चाहता था। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम गणमान्य लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन कैसी विडंबना है कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बाबा साहब के अपने रिश्तेदार, बहुत खास और देश के जाने माने स्कॉलर प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, और देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल, राइटर, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, दोनों को COVID-19 के इस भयावह दौर में, एक ऐसे मामले में हिरासत में उनको लिया गया NIA द्वारा, और जेल में उनको काटना पड़ेगा इस दौर में, जब लोग कह रहे हैं कि जेलों से लोगों को बाहर किया जाए, कई देशों में इस तरह की स्कीम चल रही है,
लेकिन इनको जेल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कुछ एलिगेशंस लगाए गए जिसके बारे में इनका कहना था कि ये बिल्कुल बेसलेस हैं, लेकिन सत्ता और संरचना में जो लोग बैठे हैं उनको लगा कि ये खतरनाक लोग हैं और इनको अंदर कर दिया गया। तो ये कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हुआ और एक अजीब घटना है हमारे देश के राजनीतिक जनतांत्रिक मूल्यों पर एक अजीब तरह की टिप्पणी है, इस पर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, इन शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।